जी केशाय नमः। अरे हस्ते अक्षर पुष्पाणी गृहीत्वा हाथ में सभी लोग अक्षर पुष्प लेकर के श्रीमद् भागवत जी का श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान कीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जन्मादयतोन्मयाभितरतस्वराट्टेने ब्रह्मदायादिगवये मुह्यन्त्य सूर्या तेजो वारिवदाम्यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहकां सत्यं वरं धीमहि यम प्रजंदमनुभेदमभेदकृत्यं दैवायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम भूर्भुवस्वः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। परमहंसाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा बालकृष्ण ध्यान वंशी विभूतिकरावत पीतांबरादरुणबिंबफलादरोटत्ूणेन्द सुंदर मुखादर बिंब नेत्र कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम भूर्भुवस्वः श्रीवालकृष्णाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। अधिपाद्यादिभिः सम्पूज्य ओम पाद्यपाद्यं समर्पयामि। हस्तोर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। अधिगन्धाक्षर पुष्पाणि ओम मातांग गंधर्वा अथन स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वानिक्ष्मादिमुच्यत श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम लेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्यता सुरश्रेष्ठ कुंकुमता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरा यक्षतांदे पुष्पम पुष्पमाला माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पदपाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। परमहंसाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते मनसा धूपं दीपं दर्शयामि। अथ नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ मानाभ्यासीदन्तरिचकुं श्रीष्णोदौ हौसमवटदा प्रभां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अगर्वयन्ना त्वदीयं वस्तु गोविन्दं दुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सम्मुखौ भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यान्ते पञ्चात्मनीयं जलं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुभरं ताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणाद्रव्यम् ॐ हिरण्यगर्भः समवर्ततग्रे भूतसिजातः पतिके कयासीता सदा धौर पृथ्वीद्यामुदै मां कस्मै देवाय अभिघाभिधेमः। कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थे त्रिदक्षिणां समर्पयामि। दिव्यदक्षिणा उपरान्ते प्रार्थना हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत जी से श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना कीजिए सभी लोग। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तु नवन्ति देव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यां सामगा ध्यानावसर तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यां योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं दिव्यभिरञ्चिनुतं शरण्यं नेत्यातिहं व्रणतपालमवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि अनेन पूजनेन श्रीमद् भागवत महापुराण प्रियन्तान् नमः। श्री बालकृष्णः प्रियन्तान् नमः। गद श्री व्यास पूजन ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादुबाहुरपरो हरि अभालोचनः सम्भो भगवन् बादरायणा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णो गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। परात्पर श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ आरातिक्यम्
सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हों। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश प्राणश्च मुखाद्यग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अद्यस्ते अक्षरमधुवाणी गृहीत्वा मन्त्रोष्पाञ्जलिः
हरि ओम जतेन जितियमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनागम महिमानः सचन्द्र चन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्ररुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नाना सुगन्धबुधपाणि यथा कालोद्भवानि जापसवाञ्जलिर्मय दत्तो ग्रहाण परमेश्वरा ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः आनन्द नन्दनाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भागवत भगवान की जय वृंदावन माके बिहार की जय राधा रानी सरकार की जय राम सुंदरियम ने महारानी की जय सियावर राम चंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय व्यासी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय 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 श्री राधे। आप सभी पुनः अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, कुछ सूचनाओं का श्रवण करें, तदुपरांत आज की दिव्य कथा पूज्य दीदी श्री माहेश्वरी जी के मुंह से हम सुनेंगे। श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए आरती के तत्पश्चात हम सभी स्वागत की प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान अमरेंद्र सिंह दीपू भैया एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लवली सिंह जी। इसी कड़ी में सरदार मंजीत सिंह जी सपत्नीक आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में हैं, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान संजय सिंह जी सपत्नीक, आप भी सपरिवार पूज्य श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान काशी नरेश सिंह जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान ननकऊ धर्मेंद्र सिंह जी सपत्नीक, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में पधारे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त उपाध्यक्ष राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश माननीय गिरीश चंद मिश्रा जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इसी बीच हमारे बीच में पधारे आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमान डॉक्टर जयवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अन्नपूर्णा जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। श्रीमान विष्णुपाल सिंह जी सपत्नीक, आप भी श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण कुमार सिंह बबलू भैया सपत्नीक, श्री अरुण कुमार सिंह जी सपत्नीक, आप भी श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। दिनेश सिंह कल्लू भैया, आप भी श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर अनूप सिंह जी, आप भी श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान कमलेश अग्रवाल जी, आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसा कि आपके इस हरचंदपुर के जनपद इंटर कॉलेज में बहुत ही सुंदर दीप्यमान आयोजन हो रहा है, जिसका आज चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस की कथा पूज्य श्री जी के श्रीमुख से श्रवण करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो सेवक दल के रूप में हमारे युवान भाई बंधु लगे हुए हैं, श्री लक्ष्य जी, अमन जी, अंशु जी, हर्ष, शिवाजी, अभय, छोटू, अंकुर जी, मिंटू, सौरभ जी, अंकित जी, संस्कार जी, मोहित जी, प्रदीप जी, आदु जी, रोहित जी, सचिन जी, राशि जी, हरिओम शुक्ला जी, आशू जी, श्योम जी, चांद जी, इन सभी युवा बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस आयोजन समिति में इनका योगदान गिलहरी की भांति है, ये हमेशा तत्पर रहते हैं अपने कार्यों में। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, उत्साहवर्धन करें। लक्ष्मी ग्राफिक्स के माध्यम से प्रिंटिंग की व्यवस्था सचिन सिंह अभय के द्वारा हो रही है, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे। बहुत ही सुंदर दे दे पिमान आयोजन आपके इस जनपद इंटर कॉलेज में हो रहा है।
आज बहुत ही शुभ अवसर है, शुभ दिन है कि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से हम सभी यहां मनाएंगे। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें कहीं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही भाग्यवान हमारे हरचंदपुर के सभी मात्र शक्तियां भाई बंधु युवान भाई यों को प्राप्त हो रही है पूज्य श्री जी के श्रीमुख से। श्रीमान नरेश सिंह भंडारी जी से मेरा निवेदन है, वो भी मंच तक जाएंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूज्य श्री जी के सानिध्य में परिक्रमा मार्ग पे बहुत ही सुंदर दिव्य श्री जी रसोई संचालित की जा रही है, वो भी आप सभी के सहयोग के माध्यम से। हम चाहते हैं आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप भी श्री जी रसोई से जुड़ें और साधु संतों को की भोजन की व्यवस्था के लिए, विशेष भोजन व्यवस्था के लिए 11,000 की सहयोग राशि लिखाकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। खिचड़ी भोग के लिए 6,000 की राशि देकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। ऐसा अवसर आपके जीवन में मिला है कि आप भी अपने को भाग्यशाली मान सकते हैं, तो इसलिए मेरा आग्रह है आप सभी भाई बंधु माताओं बहनों से कि श्री जी रसोई में आपके भी कुछ पुष्प अर्पित होने चाहिए। जहां परिक्रमा मार्ग पे अनेकों हजारों लाखों साधु संतों की सेवा की जा रही है, श्री जी के सानिध्य में गौ सेवा गौशाला बहुत ही दिव्य वहां पर चल रही है, गौओं की सेवा की जा रही है, साधु संतों की सेवा की जा रही है, वानरों की सेवा की जा रही है श्री जी के सानिध्य में। तो ऐसे प्रकल्प आप सभी के सहयोग से, पूरे समाज के सहयोग से हो सकते हैं। आइए इसी के साथ हम अपनी श्रीमान मोहनलाल अग्रवाल जी से मेरा निवेदन है कि वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान जगदीश सिंह जी आप भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान से जुड़ने के लिए आप वहां काउंटर पे संपर्क कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर नाम पता नोट कर विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान से जुड़ सकते हैं, श्री जी से जुड़ सकते हैं। आस्था प्राइम वन के माध्यम से भी हमारे जो भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी का विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता है। राधा रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर हमेशा बरसता रहे, यही मेरी कामना है। आइए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सीधे अभिलंब ले चलता हूँ श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए निवेदन करूंगा। यहाँ के रसज्ञ रंजन श्रोता बंधुओं को माताओं बहनों को अपनी सुर मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने की कृपा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधिका रानी की।
सरस्वती न सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः राधे जनम जनम मोहे दीजियो श्री वृंदावन यम प्रव्रजन्तमनुपेतपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहे कातराजुहा पुत्रेति तन्मेतया सर्वाभिने सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयं मुदीरि लोकाभिरामं रणरङ्गं but
वंदन किए नाशय शंकर की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की अपने अपने गुरुओं की सद्गुरुदेव भगवान की भगवती काली मैया की गंगेश्वर महादेव की जय जय श्री राधेश। परात्पर
परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री बांके बिहारी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोता भक्तों का, जो हमारी मातृशक्तियां विद्यमान हैं, युवान भाई बंधु जो सेवा के कार्य में लगे हैं, जो हमारे बुजुर्ग पिता सदृश यहाँ विराजमान हैं, सभी को ढेर सारा प्यार बोलिए। जय जय श्री राधे। और जिन बंधुओं के माध्यम से इस कथा का श्रवण लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, हमारे आयोजक बंधु उनके संपूर्ण परिवार को विश्वमंगल परिवार सेवा संस्थान की ओर से, श्री राधा रानी की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद, जोरदार तालियां बजाइए। एवं आज हमारे मध्य में हमारे भाई श्री गिरीश मिश्रा जी का आगमन हुआ है, और बहुत हमारा उनसे बहुत दिनों से बहुत प्यारा रिश्ता बना हुआ है, तो आज आगमन हुआ है विश्व मंगल परिवार सेवा संस्थान ये हरचंदपुर, आपका स्वागत करता है। जय जय श्री राधे। और इसी बीच में आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर में प्रिंसिपल के पद पे आरूढ़ डॉक्टर जयवीर सिंह जी, जिनका संपूर्ण परिवार पत्नी सहित यहाँ पर उपस्थिति आज हुई है, उनको भी ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार, जोरदार तालियों से स्वागत करें। एवं सभी बंधुओं का, भगनियों का, जो भी इस शुभ संकल्प में लगे हुए हैं, सबको राधा रानी का बहुत सारा प्यार। ये कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है, जब बहुत ही सौभाग्य होता है और भाग्य होता है और परमात्मा की कृपा होती है, तब हम भागवती भागीरथी के तट पर आकर विद्यमान होते हैं। ये भागीरथी है, ये कथा भागीरथी है, और इस कथा में, इस कथा गंगा में जो डूबता है वो बेड़ा पार हो जाता है, और इस गंगा के किनारे जिस पर प्रभु की कृपा है, प्रभु ने जिसका नंबर डायल किया है वही इसमें आकर बैठेगा। बहुत कृपा, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब ये कथा मिलती है। भगवान श्री राम ने अपने पुत्रों के मुख से, लव और कुश के मुख से स्वयं अपनी कथा सुनी, और भगवान राम भी प्यासे के प्यासे रह गए, और हमारे विष्णु भगवान जो भागवत विष्णुमय है, भगवान कृष्ण का अवतार, ऐसे हरि ने इस कथा को गाया है, और कल बताया था ब्रह्मा जी ने इसका श्रवण किया, और फिर ब्रह्मा जी ने गाया, नारद जी ने श्रवण किया, और फिर नारद जी ने उद्यम किया तो सनकादि ऋषियों ने गाया, और सनकादि ऋषियों ने गाया तो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ इस कथा को सुनती है, और उसके उपरांत अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के सहित श्रीमद् भागवत में आकर विराजमान हो जाती। भक्ति के पुत्रों के कल्याण के लिए नारद जी ने उद्यम किया और सनकादि ऋषियों से इस कथा को प्रकट कराया। इस कथा का लेखन श्री व्यास जी ने किया, जो पाराशर नंदन हैं, सत्यवती जिनकी माता हैं, व्यास भगवान का स्वरूप, उन्हीं के नाम से जो व्यास पीठ पर आरूढ़ होते हैं उन्हें व्यास कहा जाता है। व्यास जी ने अपनी ये धरोहर, अपनी ये विरासत अपने पुत्र को दी, उनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज को जब ये कथा मिली तो इस कथा के लिए
भगवान शंकर ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जो अनधिकारी जन हैं, जिनके पाप बहुत ज्यादा हैं, जो माया में आसीन हैं और पात्र नहीं हैं, सुपात्र नहीं हैं, अगर वे कथा सुन लेंगे तो भव पार हो जाएंगे, भव से पार हो जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर नहीं चाहते थे श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हो, लेकिन श्री सुखदेव जी ने भगवती श्री राधा रानी से प्रार्थना की कि हे राधिके जू, हे राधा रानी, मैं 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बैठा हूँ, बाहर आऊंगा तो शंकर भगवान नहीं छोड़ेंगे। तब राधा रानी ने कहा, आप चिंता मत करो, आप बाहर आओ। और ये श्री सुखदेव जी कौन है? ये श्री सुखदेव जी गोलोक में रहते थे। सुख का अर्थ है तोता, तोता बनकर गोलोक में, और गोलोक में श्री सुखदेव जी राधा रानी की बगिया में क्या बोलते थे? राधे राधे राधे। तो एक दिन श्रीजी हमारी निकली, जो बहुत भोरी है, अति भोरी श्री राधा रानी सरकार, जब निकलती है तो देखती है कि ये शुक बोल रहा है राधे राधे राधे। तो श्री जी ने उस तोते को उठाया और अपने हाथ में ले लिया और कहा, बहुत प्यारा बोलते हो, लेकिन सुनो, राधे को क्या पसंद है? कृष्ण को पसंद है राधे, और राधे को पसंद है कृष्ण, इसलिए कृष्णम कृष्णम वदतु, कृष्ण कृष्ण बोलो। हमारे बांके बिहारी सरकार, हमारे गोविंद इस लीला को देख रहे थे। जैसे ही श्रीजी वहां से गई तो तोते के पास कन्हैया जी आकर कहते हैं, सुनो, तुम राधे 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 ही बोलो। तो शुक ने कहा, अब हम दोनों बोलेंगे, बोलो जय श्री राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। भगवान कृष्ण चाहते हैं श्री राधा रानी का नाम जीव ले। जो भी शालिग्राम जी का पूजन कर रहे हैं, जो भी लड्डू गोपाल को रखे हैं, अगर वो अकेले पूजा करते हैं तो पूजा फलित नहीं है, उनके साथ श्री जी की पूजा अनिवार्य है। बिना राधे के भगवान कृष्ण मिलते ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करते। राधा रानी को जरूर भोग लगाओ, नहीं कन्हैया जी बहुत चतुर और चालाक हैं। आप किसी को बहुत प्यार करते हो, बहुत प्रेम करते हो, और आपके दिल की वो धड़कन हो, और वो भी श्री विद्या राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, अगर वो आपकी ओर देख ले तो समस्त कष्टों से निवृत्ति हो जाती है। जिसको बिठाने के लिए सिंहासन की आवश्यकता नहीं थी, उसके लिए भगवान शंकर को, ब्रह्मा को, विष्णु को उनका आसन बनना पड़ा, तब वो भगवती बैठी। तो ऐसी श्रीजी तक जाने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसे कैसे चले जाओगे? वो चाबी उन्होंने गुप्त कर दी। हम भगवान कृष्ण और राधा जी की झांकी को देखते हैं तो वही स्वरूप सोच लेते हैं। राधा नाम में समाधि है, समाधि का अर्थ है सम होना, संतुलन का होना ही समाधि है। समाधि का अर्थ है कि हम संयमित हो जाएं, हम अपने को कंट्रोल कर लें। श्री राधा रानी का नाम ही समाधि है।
जो बहुत बड़े बड़े कंदराओं में जाकर बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान लगा रहे हैं, उनको भी वो दर्शन नहीं हो पाता जो वृंदावन की कण में, वृंदावन की एक एक कण में राधा रानी का नाम है। और एक नहीं, नाना प्रकार के उदाहरण आज तक श्रीधाम वृंदावन में घटित हो रहे हैं कि श्री राधा रानी की कैसी कृपा हुई, कैसे राधा रानी ने दर्शन दिए और कैसे राधा रानी ने हमारे संकट को दूर किया। इसलिए बिना राधा रानी के भगवान कृष्ण की भक्ति फलित नहीं। इसलिए राधे जू को मनाते चलिए, राधे राधे कहते चलिए। प्रकट नहीं होने दिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन नाम ही नामी को प्रकट कर देता है। श्रीमद् भागवत की कथा का संपूर्ण फल ही भक्ति है, प्रेम है, निष्कपट भाव है। इसमें केवल भगवान कृष्ण की कथा नहीं है, इसमें गोपिकाओं की कथा है, ग्वाल बालों की कथा है, नाना प्रकार के भक्तों की कथा है। भागवत का अर्थ भगवान की कथा, भागवत का अर्थ भगवान के भक्तों की कथा, भागवत का अर्थ है जो हमारी जिंदगी से हमारे पापों को भस्म करे और हमारे पुण्य को बढ़ाए, वो है भागवत। और श्रीमद् भागवत की कथा जहां पर श्रवण की जाती है, जहां पर आयोजित की जाती है, वहां पर श्री राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ श्रीमद् भागवत के रूप में विद्यमान होती है। अब मोतियाबिंद वाली आंख से तो नहीं देख सकते, आपने अगर मोतियाबिंद को स्वीकार किया है, मन में वो भाव नहीं है, तो हम लोग तो चाहे जितना बोले नहीं हो सकता, आप जाग नहीं सकते, भाव आपका चाहिए। इसलिए श्री राधा रानी की चरण कमलों को पकड़िए कि हे राधा रानी, हे श्री जी, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाइए। सद्या कृपा करती हैं ब्रज के एक बाबा जी, रोज श्री जी का दर्शन करने जाते थे, और अभी क्या हो गया है कि एक मार्ग और बना दिया गया, पहले सीढ़ियों से ही जाते थे, अब भी जो श्री जी को बहुत प्रेम करते हैं वो सीढ़ी का रास्ता ही स्वीकार करते हैं। और लाडली सरकार जब दर्शन देती हैं प्यारे, तो छोटी सी किशोरी बनकर आती है, बहुत छोटी सी प्यारी सी। तो लाडली सरकार के दर्शन करने के लिए वे संत जाते थे, सीढ़ी चढ़कर जाएं और देखते हैं कि बरसाने में बहुत भीड़ है और सब लोग बहुत अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आए हैं, बहुत सुंदर सामान लेकर आए हैं। बाबा जी के मन में आया कि मैंने श्री जी को कोई भेंट आज तक नहीं चढ़ाई, मैं कुछ चढ़ा दूं। क्या चढ़ाऊं, क्या इनके योग्य है, 80 कली का तो लहंगा पहनती हैं, इनके ऊपर हीरे मरकत पन्ने इंद्र से कहकर भगवान ने बरसा दिए, सरकार हो गई, क्या लाऊं मैं इनके लिए। तो बाबा बाजार से एक पीला कपड़ा खरीद कर लाए, रेशमी, और उस रेशमी कपड़े को लेकर बाबा सोचते हैं इसकी मैं सुंदर सी पोशाक बनाऊंगा और श्री जी को समर्पित करूंगा। पोशाक बना करके श्री राधा रानी के लिए लेकर चले, एक एक धागे में अश्रु है, भाव है, प्रेम है। और जब उस फ्रॉक को लेकर के जा रहे थे, सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी एक बालिका ऊपर से उतरती हुई आई और कहने लगी, अरे बाबा, ये पोशाक तो मोए बहुत सुंदर लागे है, मोए दे दो बाबा, मोए दे दो बाबा। बाबा ने कहा, लाली
ये तेरे लिए नहीं है, ये हमारी श्री जी के लिए, हमारी राधा रानी के लिए। और जब कहा हमारी राधा रानी के लिए, बिटिया ने बड़े भाव से देखा, एक टक देखती रही और तुरंत झपट्टा मारा और वहां से वो पोशाक लेके भाग गया। बाबा रोने लगे और बाबा को लगा कि बताओ इतने प्यार से बनाया, अरे श्री जी नहीं स्वीकार करना था, आज तो आपने मेरी भक्ति का ही मजाक उड़ा दिया, अब दर्शन नहीं करूंगा। वही सीढ़ी पे बैठे बैठे सर पकड़ के रोने लगे। उधर से एक संत दर्शन करके लाडली सरकार का आ रहे थे, आकर देखते हैं कि मार्ग में ये बैठे हैं। कहा क्या हुआ, दर्शन करने नहीं गए? कहा हम नहीं जाएंगे, हम लाडली सरकार के लिए एक बहुत सुंदर सी पोशाक बनाकर लाए और एक लाली आई, हमारे हाथन से वो पोशाक छीन के ले गई। तो बाबा ने कहा तो क्या हुआ, दूसरी बना लेना, अरे दर्शन करो द्वार तक आ गए हो। कहा हमें ऐसा लग रहा है श्री जी को हमारी पोशाक पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया है। बाबा ने कहा कुछ नहीं, दूसरी पोशाक बना लेना, हम कपड़ा ला के दे देंगे, चिंता मत करो, चलो दर्शन करो, चलो दर्शन करो। अब दर्शन करने के लिए दोनों लोग जाते हैं और वहां श्री जी के बरसाने में, उनके महल में दर्शन करते हैं। और जैसे ही पट हटाया गया तो आज श्री जी ने वही फ्रॉक पहनी है, बोलो जय श्री राधे, वही पोशाक पहनी हुई है। बाबा तो समाधि में चले गए, नैनों से झरझर झरझर अश्रु गिरने लगे कि अरे ये श्री जी थी, पछाड़ खाकर गिर पड़े। हे लाडो हम आपको नहीं पहचान पाए, मोए माफ कर दो। और उस दिन से वो बाबा मौन हो गए। जिसको सर्वेश्वरी का दर्शन हो जाए, प्राणेश्वरी का, राशेश्वरी का, क्रियेश्वरी का, महेश्वरी का, उसकी जिह्वा समाज के लिए क्या बोलेगी। भाव में एक नहीं अनेक उदाहरण। एक महाराज जी और हुए, वो वही बरसाने में कुटिया बनाकर रहते थे, सनत गोसाई जी, और बड़े भाव से श्री जी को प्रेम करते। एक दिन उनकी गुरु का आगमन हुआ। अब गुरु आ गए तो उनको ऐसा लगा कि मैं तो रोटी उटी मांग के खा लेता हूं, लेकिन गुरु जी आए थोड़ा घी चुपड़ दूं, तरकारी होती, सूखी रोटी का भोग लगाता हूं ठाकुर जी को, लाडली जी को, क्या करूं, असमंजस की स्थिति। तो उन्होंने जो रोटियां इकट्ठी कर रखी थी कई दिन की, उनको अंदर ले गए और ले जा करके पानी में डाल दिया और वो रोटियां गीली हो गईं। और उन रोटियों को मसल कर उनको ला करके भगवान के सामने रखा और भोग लगाने लगे। जैसे ही भोग लगा रहे थे, तुलसा दल उठाया था, गुरु जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे पास है हम वही ग्रहण करेंगे, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं। तभी दरवाजा किसी ने खटखटाया कुटिया का, अरे बाबा खोलो, बाबा खोलो। और जैसे ही कहा बाबा खोलो, तो बाबा ने दरवाजा खोला, लहंगा पहने हुए, चुनरी डाले हुए, छोटी सी बालिका दरवाजे पर खड़ी थी। कौन हो बेटा, कहा मोए पहचाना नहीं, हम आपके बगल में ही तो रहती हैं, हमारी मैया ने आज आपके लिए खीर भेजी है। बोलो जय श्री राधे, खीर, हाँ खीर भेजी है। बाबा भगवान की कृपा का अनुभव करने लगे कि हे प्रभु आप तो बड़े गरीब निवाज हैं। ले आए उस खीर को, खीर को भी रख दिया जहां भोग लगा रहे थे, लाली तो चली गई, इनको बिठाल दो भैया एक जगह, ये चुन ले कहीं बैठ जाए। बोलो राधा रानी सरकार की जय। वो भोग की खीर स्थान पर रखी और उस खीर के कटोरे को उठाया,
और गुरु जी के समक्ष रख दिया कि गुरु जी पाइए। तो गुरु जी ने कहा तुम भी प्रारंभ करो। और जैसे ही वो खीर उन्होंने ग्रहण की तो अद्भुत स्वाद था उस खीर का, अद्भुत स्वाद, ऐसी खीर उन्होंने कभी खाई नहीं। जो जिसकी उपासना करता है, जिसकी आराधना करता है, उसके स्वभाव का परिचय उसको प्राप्त होता है। खीर जैसे ही ग्रहण की समझ गए ये खीर सामान्य खीर नहीं है। गुरुजी मेरे साथ जरा चलिए बगल में जहां से वो लाली आई थी। दरवाजा खटखटाया और खीर जिस पात्र में थी उस पात्र को लिए हुए एक महिला बाहर निकली। बताइए, कहा आपकी लाली घर पे है? कहा हमारी लाली तो बहुत दिन हो गए अपने मामा के घर गई है। कहा ये खीर आपने नहीं भेजी? कहा हमने नहीं भेजी ये खीर। आप तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ और सीधे सीढ़ी चढ़ते हुए बरसाने के मंदिर में पहुंचे। श्री जी शयन कर चुकी थी, पटबंद हो चुका था। चूंकि ये बहुत अच्छे संत थे, इनकी ख्याति थी, इनकी अच्छी भक्ति, इसलिए पुजारी के पास गए और जाकर कहा भैया अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो मेरा एक निवेदन मान लेंगे। कहा बताइए। कहा श्री जी शयन कर चुकी हैं? हाँ कर चुकी हैं। हमको अगर उनकी निद्रा में विक्षेप ना हो तो एक बार दर्शन करवा दीजिए। पुजारी मान गया, कहा आइए। लेकर गए अंदर और जब अंदर लेकर गए और श्री जी का पर्दा हटाया, कहा आज आपने श्री जी को क्या भोग लगाया था? कहा इनको आज खीर का भोग लगाया था। तो वो पात्र दिखा दीजिए जिसमें भोग लगाया था। पुजारी ने कहा चरणों के पास रखा है। आगे आए पुजारी और चरण के पास खड़े हो गए, वो पात्र वहां पे नहीं था। तब इन्होंने अपने गमछे के अंदर हाथ डाला, उस पात्र को बाहर निकाला और कहने लगे कि ये वही पात्र है ना। पुजारी ने कहा ये आपके पास कैसे आया? कहा भैया आज लाडली सरकार अपने भक्त के लिए सीढ़ी से उतर कर ये भोग लेके मेरी कुटिया पहुंच गई और वहीं पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हे श्री जी हे राधे जू आप कितनी करुणामयी हैं। तो श्री जी की कृपा ये कथा की मिश्री है। बिना श्री जी के श्रीमद् भागवत कथा कुछ फलित नहीं होती। श्रीमद् भागवत की कथा में जो रस है वो हमारी ठकुराणी है। इसलिए अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे घोल, रसना राधे राधे घोल, रसना राधे राधे घोल, रसना राधे 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 बोल, राधे राधे।
हमारी श्री राधा रानी की कृपा जिस पर हो जाए भैया, उसकी करुणा में कमी नहीं है, आपके लेने में कमी है। बोलिए लाडली सरकार की जय। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की चतुर्थ दिवस की कथा आज आप सभी श्रवण करेंगे। चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कथा में मनाया जाता है, तो आज आप सब तैयार हैं जन्मोत्सव के लिए? हाथ उठा के बोलिए। बहने भूली पड़ी जय, तब तो लगे कि हाँ आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज जन्मोत्सव मनाएंगे, कल गिरिराज जी का पूजन होगा और परसों भगवान का विवाह होगा, इसलिए एक एक दिन अब कथा बड़ी महत्व की है, क्योंकि सरकार का जब जन्म हो जाएगा तो उनकी बाल लीला का प्रारंभ, उनकी महाराज लीला का प्रारंभ। और भगवान कृष्ण में इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है। भगवान श्री राम का नाम सरल और भगवान श्री राम की भक्ति सरल। बोलो जय श्री राम। राम 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 कहो जीवा को आराम। कोई राम जी से कहता भैया हमारे घर चले आओ, कहते मैया से पूछ लीजिए बचपन से ही मर्यादा। और कन्हैया, कन्हैया के लिए पूछने की जरूरत नहीं। हर गोपी कहती जे लाला तो नाक में दम कर दे। बोलो जय श्री राम। यशोदा मैया 75 वर्ष की है गई, रो रो के प्रभु से ही कहती कि हे प्रभु, वृद्धावस्था में किसी को पुत्र देना तो इतना चंचल मत देना, या के पीछे भाग भाग के हमारी हड्डियां चरमरा गई
और दारी को पकड़ में ना आवे। दारी को गाली है हमारे ब्रज की, इधर का चलत है दही जरे के, चलता है ना, और उधर चलता है दारी के। तो मैया बोलती दारी के सुनता ही नहीं, कृष्ण 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 कहो जबड़ा दर्द, राम 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 आ राम। कन्हैया जी जितने सरल लगते हैं ना उतने सरल है नहीं, ये टेढ़ी टांग वाला कब मार दे खींच कर पता नहीं चलता। किसी ने पूछा टेढ़ी टांग के बन के क्यों खड़े हो प्रभु, कहा ये जो कथा सुन रहे हैं इनकी बुद्धि भी तो टेढ़ी है, बोलो जय श्री राधा। आएंगे बिहारी जी का दर्शन करने, प्रभु इस बार करवा देना टेंडर हमारा, प्रभु इस बार नौकरी पक्की, प्रभु बहू दिला दो, प्रभु पोते का मुंह दिखा दो। तो कन्हैया जी खुश होके कह देते हैं चलो ठीक है हो जाए भाई, आको काम है जाए, काम हो जाए और आओ नहीं, जो कहा है वादा पूरा ना करो तो टेढ़ी टांग वाला लंगड़ी इतनी जोर की मारेगा कि चारों खाने चित्त बोलो जय श्री राधे। हर जगह तो तुम होशियारी कर सकते हो लेकिन कन्हैया जी के पास होशियारी ना ही चलेगी भैया। बुलाओ चाहे ना बुलाओ भाभी मैया, मैं तो तेरे घर जरूर आऊंगा, तू प्यार से दे तो भी खाऊंगा और ना दे तो झपट कर लेकर जाऊंगा। जे कन्हैया है और कन्हैया सबके मन को अपनी ओर आकर्षित, उनकी मुस्कुराहट में प्यारे एक बार जो बांके बिहारी जी का दर्शन कर लेता है तो बांके बिहारी जी मोहिनी मुस्कुराहट आकर्षण कर लेते हैं, वो दोबारा जरूर जाएगा दर्शन करने। इसीलिए इनकी आंखों को कहा इनकी आंखों में जादू भरा हुआ है, इनकी आंखें जादू भरी हुई है। हमारे ठाकुर जी बहुत थोड़ा स्वभाव टेढ़ा है लेकिन करुणा करते हैं तो पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से ये कन्हैया जी की कथा है, उनके भक्तों की कथा है और इस कथा में जो भी अपने मन को अपने इंद्रियों को स्थिर कर इस कथा का श्रवण करता है उसको लाभ अवश्य होता है। एक एक दिन की कथा बहुत महत्व की है, 7 दिन की कथा और आज जन्मोत्सव की कथा, तो उसी तरीके से बैठें कि जैसे नंद भवन में आनंद मनाया गया वैसे ही आज हरचंदपुर में इस इंटर कॉलेज में प्रभु का जन्म हो और हम उसी भावना से हम वैसे ही गोप ग्वाल बनकर अपने अस्तित्व को भूल कर कि हम कौन हैं उस भाव से इस कथा में सम्मिलित होइए, बहुत आनंद मिलेगा अतीव आनंद की। तो कल गिरिराज जी का जब पूजन होगा तो आपको अपने घर से भी भोग लेकर आना है जो भी आपसे बन पड़े। कल कन्हैया जी देखेंगे कौन सी गोपी कैसे भोग बनाती है, तो सभी के घरों से भोग आए हमारे समिति के लोगों को आप आते ही गेट पर दे देना, सभी का अन्नकूट उत्सव कल मनाया जाएगा। और इस प्रकार से हम कल कथा में श्रवण किए, कल भगवान शंकर की एक बहुत सुंदर झांकी का दर्शन आपने किया। भगवान शंकर आपके हरचंदपुर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है क्योंकि यहाँ पर भंवरेश्वर महादेव और शिवारेश्वर महादेव है, शिवारेश्वर जी है ना, शिवरेश्वर, शिवरेश्वर महादेव का मंदिर है और अचलेश्वर महादेव है और पास में ही गंगेश्वर महादेव। अचलेश्वर महादेव के विषय में आज हमारे भाई अंकित जी हमारे साथ गए थे तो मुझे पता चला कि बहुत प्राचीन शिवलिंग है और भोले बाबा का ये दरबार बहुत पुरातन है, इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान शंकर बहुत स्वरूप में यहाँ विद्यमान है, भंवरेश्वर अचलेश्वर और शिव महापुराण में इनका उल्लेख भी है। तो आप इसीलिए हरचंदपुर के लोग हैं, बोलो जय श्री राधे। हर मतलब हर हर
महादेव, उनकी कृपा है हरचंदपुर में। भगवान शंकर की वो झांकी आपने देखी और भगवान शंकर की उस कथा का श्रवण कि सती मैया योगाग्नि में भस्म हुई और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जन्म मेरा कहीं पर भी हो लेकिन पति के रूप में मुझे महादेव ही प्राप्त होने चाहिए। और उसका फल ये हुआ कि पार्वती बनकर आई, हिमालय की पुत्री बनकर आई और भगवान भोलेनाथ से पुनः विवाह हुआ। और ये कथा हम लोगों ने सुनी कि मनु महाराज की तीन बेटियां थी, आकूति, देहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ था, आकूति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और देहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि भगवान ब्रह्मा के छाया से उत्पन्न हुए और कर्दम का अर्थ है जिसने अपने इंद्रियों का निग्रह कर लिया हो, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे को हम कर्दम कहते हैं। और इनका विवाह देवहूति से हुआ। देवहूति जब इनके जीवन में आई तो उनके साथ नवधा भक्ति का आगमन हुआ, नौ पुत्रियों का जन्म हुआ और एक पुत्र का आगमन हुआ जिसका नाम हुआ कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय। और कपिल की माँ देवहूति, इनके पिताजी तो जाकर के दसम स्कंद का पाठ करते हैं और अपनी लीला को पूर्ण करते हैं। लेकिन देवहूति के मन में एक बात है कि मेरे पुत्र जो है कपिल, ये भगवान का ही अवतार है और कपिल भगवान का अंशा अवतार है। कृष्ण कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे श्री राधे।